Hello?

And I hope so कि ये चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फड़ से क्वेश्चन को आंसर करते हैं ओके? Okay? So सबसे पहले हम क्या करें हम वेरी शॉर्ट आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं इसमें हमारा क्वेश्चन है कि सोशल चेंजेस से आप क्या समझते हो देखो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ आपको थर्टी वर्ड्स में उनको आंसर करना होता है है ना टू मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो सिंपली जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना बस हम आंसर कर देते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं लगता है कहीं तो एग्जाम्पल वगैरह दे देते हैं है ना और फिर आगे बढ़ जाते हैं short, इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चनस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि इन टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है तो कुछ भी लिख के आ गए मार्क्स हैं इन सबके है ना लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है जस्ट जो क्वेश्चन पूछा फटाफट से लिखो एंड दैट्स इट कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कभी कभी बहुत मॉडरेट लेवल के भी आते हैं कि सोशल चेंज इज अफ चेंज इन विच सोशल रिलेशनशिप्स रिमेन ऑर्गेनाइज कंट्रोल्ड एंड स्टेबल सो देंजेस इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोशल चेंज का मतलब क्या चेंज ऐसा चेंज जो सोशल रिलेशनशिप्स में हो रहा है है ना और इस तरह के चेंज में सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं कंट्रोल्ड हैं स्टेबल हैं है, है, है. ना तो इनमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं चेंजेस जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अचुएशन सो दैट अज सोशल चेंज हैेंज इ सोसाय समझ में आ रहा है पैटर्न देखो आंसर में पॉइंट देखो लिखना खुद से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट यूरस्टैंड बायोल्यूशन रिवोल्यूशन क्या होता है सडन चेंज ओके तो रिवोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ रैपिड सोशल चेंज रिवोल्यूशन एक तरह का रैपिड सोशल चेंज है सोसाइटी के अंदर जिसमें ना केवल प्रेजेंट टाइम बल्कि फ्यूचर भी अफेक्ट होता है मतलब जैसे मान लो आज कोई ऐसा चेंज आ जाए जिससे ना केवल आज आपका चेंज हो रहा है बल्कि कल जो फ्यूचर में होगा वो भी सारा कुछ चेंज हो गया है ये बेसिकली जो है पॉलिटिकल कंटेक्ट में यूज किया जाता है यहाँ पर जो सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज करते हैं है ना इसका एग्जाम्पल ले लो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवल्यूशन रशियन रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कैसे मशीन आई और मशीन ने आके जो है प्रोडक्शन करने का पूरा का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया और वो एकदम था सडन चेंज था ऐसा नहीं कि आज मशीन ने कोई आधा काम किया कल आधा नो इट वॉज जस्ट द सडन और क्विक चेंज ठीक है तो इसीलिए हम इनको रिवोल्यूशंस बोलते हैं तो बेसिकली रिवोल्यूशन क्या है अ टाइप ऑफ रैपिड सोशल चेंज और हमने हमारे आंसर में एग्जाम्पल दिया है तो हम एग्जाम्पल को भी हाईलाइट कर देंगे क्लियर तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है आंसर में आप जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज कर रहे हो आप उनको अंडरलाइन कर देंगे हाईलाइट कर देंगे या जैसे भी आपको ठीक लगे ओके okay? तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखेगा फाइन समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर भी कैसे लिखना है और आप देख ही रहे हो कि जस्ट बिल्कुल चार पांच लाइन में आ गया या पांच छह लाइन में आ गया दैट्स इट इससे ज्यादा लंबा हमको आंसर नहीं लिखना है वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, है ना? देखो, से कैसे चेंज आता है अभी हमने बात करी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होता है मशीन मेड प्रोडक्शन होता है तो मशीन भी तो एक तरह की टेक्नोलॉजी है ना तो कैसे टेक्नोलॉजी से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं वो हमको बताना है देखो विल राइट दैट टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ इंटेलिजेंट एंड मॉडर्न टिक्स इफिशियंटली टू फुलफिल द मटेरियल नीड्स दैट है वास्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसायटी टेक्नोलॉजी मतलब क्या है आप कोई इंटेलिजेंट या मॉडर्न टेक्नीक यूज कर रहे हो ताकि जो मटेरियल है, नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें आपकी सोसाइटी के ये क्या करती है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है फ्राम अ कॉम्पलेक्स टू द इजियर वन एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ठीक है आप लिख सकते हो कि मशीन मेड प्रोडक्शन स्टार्टेड दैट चेंज्ड द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ द सोसाइटी राइट तो दैट कैन बी यगजाम्पल एंड आपको लगता है ऐड कर सकते हैं इसमें ये एग्जांपल और अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल उसमें ऐड कर सकते हो आप उस चीज के लिए पूरे आजाद हो ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने जो बताया आपको वही लिखना है है ना आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐड करना चाहते हो अपने आंसर में वो बिल्कुल कर सकते हो बट द थिंग इज कि आपका पॉइंट या आपका एग्जाम्पल रेलिवेंट होना चाहिए राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है अगर आपने एम सी क्यू देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे पढ़ा होगा मुझसे तो इस आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता होगा अथॉरिटी मीन्स नथिंग बट लेजिटिमेट पावर अथॉरिटी को मैक्स वर्बर ने डिफाइन किया था ठीक है और मैक्स वर्बर ने बोला कि अथॉरिटी का मतलब है लेजिटमेट पावर पावर जो कि करेक्ट है जस्टिफाइड है प्रॉपर है ऑथॉरिटी इंप्लाइज दैट people have a legitimate power because of of their 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 official description of their position which they could use only in their domain example teacher <coughs> अगर आपको आपकी टीचर ने बोल दिया कि कल ये होमवर्क करके लाना मुझे आपकी कॉपी में ये होमवर्क दिखना ही दिखना चाहिए नहीं दिखेगा तो मैं तुमको तो पनिश करूंगी अब क्योंकि वो टीचर है, है ना? उनके पास में वो, वो वहां पर वर्क कर रही हैं उनके पास में अथॉरिटी है लेजिटिमेट पावर है कि वो आपको ऑर्डर दे सकती हैं है ना तो दैट इज समथिंग कि आप लेजिटिमेट पावर और आप इस पावर को डिनाई नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि लेजिटिमेट है आपने उनको एक्सेप्ट किया एज योर टीचर है ना आप उस स्कूल में आपने उनको एक्सेप्ट किया एज योर टीचर और उनकी पावर लेजिटिमेट है तो आप उनकी बात मानोगे ही मानोगे एग्जाम्पल जज कोर्ट में जब जज कोई डिसीजन देते हैं तो उसे माना जाता है है ना अब जैसे मान लो कोई केस गया मर्डर का केस गया उनके पास में तो वो उसमें जो जज होंगे मान लो उन्होंने बोला कि भाई जो जिस जो भी क्राइम है जिसने भी मतलब जो क्रिमिनल है उसको फांसी की सजा दी जाएगी तो ये मान लो वो क्रिमिनल इसको एक्सेप्ट करे या ना करे बट ये चीज़ होगी ही होगी क्यों क्योंकि ये लेजिटिमेट पावर है है ना और ये वहाँ कोर्ट में क्यों है क्योंकि इनके पास में वो लेजिटमेट पावर है वो अथॉरिटी उस चीज के लिए क्वालिफाइड है राइट तो दैट इज समथिंग वाट अथॉरिटी इज ओके आप इसमें एक आध कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं

जज ने कोर्ट रूम में बैठ के तो डिसीजन दे दिया उसको सब मानेंगे लेकिन मान लो जज कहीं रोड से पास ऑन हो रहे हैं है ना संडे का दिन है कहीं घूमने घूमने जा रहे थे उन्होंने देखा कि रोड पे कोई क्राइम कर रहा है या कोई अपनी वाइफ को मार रहा है है ना तो वो गए और उन्होंने बोला इसको सजा दो इसको उठा के जेल में डाल दो कोई नहीं मानेगा क्यों क्योंकि आप उस टाइम पे अपने डोमेन में नहीं हो आप उस टाइम पर अपने डोमेन में नहीं हो ऐसे तो फिर कोई भी आ जाए और कोई भी वो डिसीजन दे देगा नो इट शुड बी बाय अ प्रोसीजर एंड एवरी राइट तो ये जो है आपकी अथॉरिटी है आप इसको लिखेंगे आंसर में ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में, में आए लॉन्ग में आए आंसर क्या लिखना है नाउ यू नो इज दैट क्लियर गुड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ लॉ का मतलब क्या होता है देखो लॉ इज अ इज एन एक्सप्लीसिटलीफाइड रिटर्न नॉर्म एंड रूल दैट एवरी सिटीजन लिविंग इन द सोसाइटी मस्ट फॉलो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही और शी अग्रीज विद इट और नॉट देखो लॉ का मतलब क्या है एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड रिटर्न नॉर्म्स एंड रूल्स जो कि एक्सप्लीसिटली कोडिफाइड हैं, लिखे हुए हैं कुछ नॉम्स कुछ रूल्स जिनको आपको मानना ही मानना है एक सोसाइटी के अंदर जैसे चोरी एक बुरा क्राइम है, है ना? तो चोरी के लिए कोई लॉ बना दिया कि जो भी चोरी करेगा उसके ऊपर ये वाली जो है सेक्शन uh, लगा दिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो दैट इज something दैट इज रिटर्न दैट इज कोडिफाइड दैट इज अकॉर्डिंग टू द नॉम दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ठीक है इसे हर एक सिटीजन जो भी उस सोसाइटी में रह रहा है मस्ट फॉलो आप उस सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा चाहे आप उससे अग्री करते हो या आप डिस करते हो लेकिन लॉ है तो आपको मानना ही पड़ेगा जैसे इंडिया इंडिया डेमोक्रेसी है इंडिया डेमोक्रेसी है यहां पर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं मतलब हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं फिर वो जो है हमारे लिए हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो जिन्हें आपने वोट दिया है कहीं ना कहीं उन्होंने ही लॉ बनाया है तो दैट मीन्स कि आप उस चीज़ में अग्री कर रहे हो जैसे मान लो मैं हूँ या आपकी क्लास है आपकी पूरी क्लास ने मिलके किसी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया ठीक है अब इसने एक रूल बनाया इसने रूल ये बनाया कि आप सबको जैसे ही आपका लंच ब्रेक ओवर होने वाला होता है उसके टू मिनट्स पहले क्लास में एंटर कर जाना है टू मिनट के बाद में जो आएगा उसको सीधे टीचर के पास भेज दिया जाएगा और उसको डांट पड़ेगी क्योंकि ये टाइम पर क्लास में नहीं आया ठीक है मान लो एक एग्जाम्पल ले लो किसने ऐसा रूल बना दिया तो दैट इज समथिंग कि क्योंकि आप सब ने मिलकर इसको सीआर बनाया है है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया है दैट मींस कि आप सब इसकी बातों से एग्री करते हो तो अब ये जो भी चीज़ आपको बोलेंगे जो ऑर्डर देंगे वो आपको मानना पड़ेगा हाँ अगर ये कोई ऐसा ऑर्डर दे देते हैं मान लो ये सीआर ऐसा बोलते हैं कि लंच ब्रेक में कोई भी अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा तो दैट विल बी अरे अच्छा हमको बता रहे हो हम ही ने तुमको बनाया हम तुमको हटा देंगे है ना दैट इज समथिंग कि अगर कोई चीज़ इलिगल हो रही है तो आप वहां पर एग्री नहीं करोगे लेकिन समथिंग दैट इज़ जो सही है आपको उस चीज को माननी पड़ेगा एंड लॉज आर समथिंग दैट इज समलीफाइड रिटर्न नॉर्म्स एंड रूल्स हर एक सिटीजन इसको फॉलो करेगा अगर लॉ कभी कोई गलत पास हो जाता है तो उसके लिए लोग रिटेलिएट भी करते हैं है, है ना प्रोटेस्ट करते हैं तो वो चेंज होता है बट इफ इट इज अ लॉ और अब वो लागू हो चुका है तो उसे हर एक पर्सन को मानना ही होगा ओके okay? ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था इसमें मत लिख देना ठीक है चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिफाइन कन्फॉर्मिटी कन्फर्मिटी क्या होता है आप किसी चीज को कन्फर्म कर रहे हो किसी चीज को मान रहे हो देखो कंप्लाइंस एंड एडरेंस टू स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड नॉर्म्स इज रेफर टू एस कन्फर्मिटी जब आप किसी स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन या नॉर्म को मान रहे होते हो उसको कंप्लाई कर रहे होते हो है ना उसको एदर कर रहे होते हो उसे कन्फर्मिटी बोलते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपकी पूरी क्लास ने मिलकर किसी एक को सीआर बना दिया और उस सीआर ने बोला कि लंच ब्रेक ओवर होने के दो मिनट पहले आपको क्लास के अंदर आना ही आना है किसी भी हालत में है ना तो आप उस एक चीज को अगर मानने लग गए दैट आपने कर दिया है ना तो एंड अदरेंस इसी को बोलते हैं ये बेसिकली एक टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर जो उनके एटीट्यूड उनके बिहेवियर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स राइट तो मतलब सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं उसे अगर आप, आपको मानना ही पड़ेगा तो उसके लिए कन्फर्मिटी होती है ओके okay, तो ऐसे आप अपने आंसर्स लिखो और छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दो बस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना ओके वट यू अंडरस्टैंड बाय क्राइम क्राइम क्या होता है क्या समझते हो क्राइम से क्राइम मतलब कोई गुना कर दिया ठीक है किसी का मर्डर कर दिया किसी के साथ चोरी कर ली यही सब क्राइम होता है कैसे डिफाइन करोगे इसको देखो द नोशन ऑफ क्राइम इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ अ क्राइम इज एन एक्ट दैट वायलेट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ और गोज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट सबसे अच्छी डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन क्राइम वो होता है जो लॉ के अगेंस्ट में किया गया है जैसे मान लो कोई लॉ बना है कि भाई जो चोरी करेगा वो एक तरह का क्राइम होगा और उसके लिए उसको क्या कर दिया जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा अब अगर कोई पर्सन कहीं पर ऐसी कोई एक्टिविटी करता है है ना कहीं पर चोरी वगैरह कर लेता है तो दैट इज समथिंग कि उसने लॉ को नहीं माना और अगर उसने लॉ को नहीं माना इसका मतलब क्या कि उसने क्राइम किया है सिंपल ठीक है तो जो क्राइम है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है लॉ से एक क्राइम एक ऐसा एक्ट होता है जो कहीं ना कहीं लॉ को एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट कर रहा होता है और ये बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट है ये लेजिटिमेट डिसेंट के बियॉन्ड है इसको नहीं किया जाना चाहिए है ना समझ में आ गया सारा कुछ डाउट तो नहीं है गुड ये लोग को समझाने देती हैं तुम लोग अच्छे एग्जाम्पल्स यूज करा करो अपने आंसर में ठीक है मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ कि हर एक, एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग यही एग्जाम्पल अपने आंसर में लिख दो आंसर में अच्छे अच्छे एग्जाम्प्स दिया करो बुक में दिए रहते हैं इतने अच्छे एग्जाम्पल्स है ना अब देखो वट इज वायलेंस वायलेंस क्या होता है किसी को मार दिया किसी को कोई सामान तोड़ दिया फेंक दिया ये वायलेंस होता है कैसे डिफाइन करोगे वायलेंस को देखो स जहाँ क्राइम हम बोल रहे हैं कि अगर आप लॉ के अगेंस्ट में जाते हो लॉ को नहीं मानते हो तो मतलब आपने क्राइम किया है वायलेंस का मतलब ना केवल लॉ को तोड़ना पर साथ ही साथ में जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके भी अगेंस्ट जाना सोशल नॉर्म्स क्या हो गए आपके मतलब सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जो कहीं लिखे नहीं है लेकिन हम सब उनको मानते हैं है ना हम सब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अगर आप इन्हें भी नहीं मान रहे हो दैट मीन्स आप बैलेंस कर रहे हो प्रोडक्ट ऑफ सोशल टेंशन दैट एक्ट एज चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ स्टेट किसी तरह का सोशल टेंशन uh, आपको है है ना मतलब सोसाइटी में आप रह रहे हो उस चीज से तो कहीं ना कहीं वो आप अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने लग जाते हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल ले लो मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है ना बड़े क्वालिफाइड हैं पढ़े लिखे हैं सब कुछ है उनके पास में लेकिन स्टिल उनके पास में जॉब नहीं है अब परेशान हो गए गवर्नमेंट से बोल रहे हैं हमको जॉब दे दो हमको कहीं जॉब दिला दो हमारी फैमिली हमको रन करनी है हमको जॉब दे दो गवर्नमेंट नहीं दे रही जॉब है ना ये लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए पहले तो शांति से प्रोटेस्ट करते हैं ना गवर्नमेंट को लगे हुए हैं कि हमको जॉब दे दो हमको जॉब दिला दो ऐसा वैसा करके मान लो एक सिनेरियो इमेजिन कर दो है ना हम वो प्रोटेस्ट करने आ गए और उन्होंने कहा कि हमको जॉब चाहिए ऐसा वैसा अगर आप हमको जॉब नहीं दोगे तो फिर हम वायलेंस करेंगे तो इनने क्या करा इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह थे उन सबको तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पकड़ के मारने लगे इधर उधर जो है सबको मारने लग गए दैट इज समथिंग नोन एज वॉट वायलेंस तो वायलेंस में आप क्या चीज़ कर रहे हो आपको एक तरह का सोशल टेंशन हो गया सोशल टेंशन आपके पास में जॉब नहीं लोगों के पास में जब जॉब नहीं होगी कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ये सोशल प्रॉब्लम है जॉब ना होना एक सोशल प्रॉब्लम है अगर आपको ऐसा लगता है कि, कि किसी के पास में जॉब नहीं है तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं ये सोशल प्रॉब्लम है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पीछे रह रही है क्वालिफाइड लोगों को जॉब देने में ठीक है तो ये एक तरह की सोशल प्रॉब्लम है तो किसी तरह के सोशल टेंशन की वजह से आप क्या करते हो थॉरिटी ऑफ दी स्टेट को चैलेंज करते हो अथॉरिटी ऑफ दी स्टेट क्या है आपकी गवर्नमेंट इंडिया के केस में है ना तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज करते हो और उसके लिए आप क्या करते हो वायलेंस करते हो तो दैट इज वायलेंस लिखोगे कैसे लेकिन तो ये देखो सामने सारा कुछ लिखा हुआ है इसको एक बार रीड करो just read it out violence is the extreme form of contestation that not only goes against law but also against social norms it is a product of social tensions that act as a challenge to the authority of the state fine samajh mein aaya sara kuch theek hai chalo next question dekho what do you understand by concept of a city City का concept क्या होता है देखो यहाँ पर कुछ questions हैं, जैसे यहाँ city के बारे में पूछा है यहाँ पर फिर town के बारे में पूछा हुआ है है ना तो ये सिटी और टाउन का क्या मीनिंग है ये फटाफट से समझ लेते हैं सबसे पहले सिटी इज कोर ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ पॉपुलेशन हाइड्रोजिनटी पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सबसे पहली चीज तो ये दो टर्म होते हैं देखो एक होता है रूरल एक होता है अर्बन हम सोचते हैं रूरल मतलब गांव अर्बन मतलब शहर पर आप कैसे बताओगे कि कोई इस प्लेस जो है वो विलेज है या कोई प्लेस जो है वो शहर है कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे कैसे देखो तो जो बेसिस होता है वो होता है आपका एक्टिविटी आप किस तरह की हो इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरियाज में मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ uh, वो लोग कर रहे होते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है है ना मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर हर कोई जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहा होता है ना खेती किसानी ये सारी चीज़ें ठीक है और जो अर्बन पॉपुलेशन होती है या अर्बन एरियाज होते हैं वो वो होते हैं जहां पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या जहां पर कोई फार्म में जाके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है बल्कि सर्विसेज हो रही हैं या किसी चीज़ का uh, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस तरीके के ठीक है तो जहां एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो रूरल एरियाज हैं जहां नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो आपके अर्बन एरियाज होते हैं तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा एरिया अर्बन एरिया है कौन सा एरिया रूरल एरिया है ठीक है अब समझ में आया कभी कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि रूरल एरिया क्या जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं अर्बन एरिया क्या जहां पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं है ना मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन जो है वो लोगों की यहां पर एग्रीकल्चर है यहां पर नॉन एग्रीकल्चर है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ठीक है तो अब सिटी कहां पर आएगी अर्बन एरिया में आएगी है ना क्यों क्योंकि सिटी में जो लोग रह रहे होते हैं क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते हैं ज्यादातर लोग जो किस चीज में एंगेज हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में तो कोई मेट्रोपोलिटन एरिया उसका जो कोर होगा वो सिटी होगा जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरी हाई है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या की एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक किलोमीटर का एरिया है वहां पर अच्छे से प्रॉपर स्पेशियस हाउसेज अगर बनाए जाएँ तो कम से कम वहां पर कितनी फैमिलीज रह सकती हैं एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ट्वेंटी फैमिलीज रह सकती हैं एक एग्जाम्पल है ना वन किलोमीटर का एरिया ट्वेंटी फैमिलीज रह सकती हैं वहां पर उनको सारी हॉस्पिटलिटी सर्विसेज वगैरह सारा कुछ वहाँ पर उनको प्रोवाइडेड है तो मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओके अब अगर मान लो वहाँ पर वन किलोमीटर के एरिया में फिफ्टी फैमिलीज रही हैं मतलब वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और अगर मान लो वहां पर सिर्फ टेन ही रहनी है तो यहाँ पर क्या density of population हाँ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं हिट्रोजीनिटी है सब एक जैसे नहीं है सब में पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिटी क्लियर ये भी आया यहां तक समझ में कि कंसेप्ट ऑफ सिटी क्या होता है आगे बढ़े अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टाउन टाउन क्या होता है देखो

जो कि विलेज से बड़ा है लेकिन टाउन से छोटा सॉरी सा, सिटी से छोटा है उसको आप टाउन बोलते हो जनरली जियोग्राफिकल एरिया इज रिफर टू एज टाउन विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन फाइव थाउजेंड एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफन मोर देन फोर हंड्रेड परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर टाउन ऐसी जगह को बोलेंगे जहां पर पॉपुलेशन मोर देन फाइव थाउजेंड है ठीक है और जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फोर हंड्रेड परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर है एक स्क्वायर किलोमीटर में फोर हंड्रेड परसेंट रहते हैं या तो ये या इससे ज़्यादा ठीक है तो उसे आप बोलोगे टाउन ये दो फीचर्स यहां पर हमने बता दिया क्लियर समझ में आया सिटी क्या है, क्या है टाउन है विलेज क्या है सारी चीजें ओके लेट्स मूव ऑन तो ये जो आपके बेसिक बेसिक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आई होप सो आपको ये सारे क्लियर हो रहे हैं है तो ना अगला क्वेश्चन है डिफाइन कल्चरल लैग कल्चरल लैग क्या होता है कल्चर पीछे छूट रहा है कैसे क्या क्या डिफाइन करोगे इसको देखो कल्चरल लैग का मतलब ये होता है कि कल्चर को आप डिवाइड करते हो दो पार्ट्स में एक होता है मटेरियल एक होता है नॉन मटेरियल चेंजेस मटेरियल कल्चर में बहुत जल्दी जल्दी होते हैं लेकिन जो आपका नॉन मटेरियल कल्चर होता है उसमें समय लगता है और इसीलिए इस ये जो लैग है बिहाइंड द मटेरियल आस्पेक्ट इसे ही कल्चरल लैग बोलते हैं मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो कल्चर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं एक होती है मटेरियल मटेरियल चीजें या मटेरियल कल्चर और दूसरा जो होता है आपका वो होता है नॉन मटेरियल कल्चर तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो मटेरियल कल्चर है इसमें चेंजेस बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं फटा फटाफट से चेंज हो रहा है कोई भी चीज है नया उसको एडोप्ट कर ले रहा है लेकिन जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसको धीरे धीरे टाइम लगता है तो पता चला मटेरियल कल्चर चेंज होते होते यहां पहुंच गया लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर अभी यही है और इसी एक डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं कल्चरल लैग क्लियर समझ में आया क्या है कल्चरल लैग ठीक है ये सब पढ़ाया मैंने आप लोग को चैप्टर में आई होप सो कि आप लोग ये सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो और अगर आप ये सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो दैट मीन्स आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है कंसेप्ट आपके क्लियर हैं और अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही हैं दैट मीन्स कि आपने चैप्टर अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है है ना तो इसका ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म घटोशन सो देखो गेटॉयजेशन भी आपका ये जो हम सिटी टाउन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है द कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड नेबरहुड्स इनटू अ सिंगल कम्युनिटी और गेटोज एज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल टेंशनस एंड टर्बुलेंस इज कॉल्ड गेटॉयजेशन देखो जब मिक्स्ड नेबरहुड है आसपास में अलग-अलग तरह के लोग रह रहे हैं है ना तो आप उनको कन्वर्ट कर दो एक सिंगल कम्युनिटी या एक घेटो में है ना जिससे कम्युनल टेंशन मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल कम्यूनल या टर्बुलेंस की वजह से उसे घेटोइजेशन बोलते हैं अच्छा इस एक टर्म को हम ऐसे भी समझते हैं कि घेटोइजेशन में क्या होता है छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए जाते हैं सिंगल सिंगल कम्युनिटी और उन्हें फिर घेटोस बोला जाता है, है ना यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा होता है बेसिकली तो ये आपके बुक में दिया हुआ है खैर वहाँ से भी आप लाइन्स ले सकते हो बाकी एज सच इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है नाउ वट इज जेंट्रफिकेशन सो द फिन ऑफ जेंट्रिफिकेशन रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ द सिटी सेंटर आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ रिवाइवल ऑफ़ कम्युनिटी लाइफ जेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है जब सिटी सेंटर रिवाइव हो रहा होता है और वो कम्युनिटी लाइफ का मतलब कम्युनिटी लाइफ में रिवाइवल उसका हो रहा होता है तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कन्वर्जन ऑफ प्रीवियसली लोअर क्लास इंटू मिडल एंड अपर क्लास जो पहले से लोअर क्लास वगैरह रह रही है उसको आप कन्वर्ट कर रहे होते हो मिडिल क्लास या अपर क्लास में तो इसको बोला जाता है जेंट्रिफिकेशन है ना एक से दूसरे में आप उसका क्या करे रिवाइवल करो सिटी सेंटर का कम्युनिटी लाइफ में देन अनदर क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे है ना कंसेप्ट के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर लिखोगे कभी कभी इनकी डेफिनेशन याद मतलब समझना मुश्किल होता है तो याद कर लेना है ना कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं हमको नहीं समझ में आते बार बार पढ़ रहे हैं सबसे समझ रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आते तो बेटर है कि उस एक चीज को याद कर लिया जाए ओके okay? वैसे आई होप ये समझ में आया होगा सारा नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन देखो कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ कल्चर टुक प्लेस इन द सोसाइटी नेम द कंसेप्ट एसोसिएटेड विथ इट जब आप कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करते हो सोसाइटी के अंदर तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट इससे रिलेटेड है क्या बोलते हैं हम उसको देखो द कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज रिफर टू एज डिफ्यूजन इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज तो इस एक पूरे कंसेप्ट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं जहां पर आप अपने कल्चर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हो एक जगह से दूसरी जगह दैट इज नोन एज वॉट डिफ्यूजन ठीक है ये वन ऑफ दी सिग्निफिकेंट फैक्टर है सोशल चेंज का ओके okay? सो so, यहां तक हमारे 14 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे आई होप सो ये आपके क्लियर हो गए होंगे आपको समझ में आ गए होंगे कोई डाउट नहीं होगा है ना तो अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से उन्हें आंसर करते हैं ठीक है आपको समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं आपके ओके okay. देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिफाइन सोशल चेंज एंड इट्स टाइप्स सोशल चेंज को डिफाइन हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था वेरी शॉर्ट में यहां पर बस इसमें ऑन कर दिया उसके टाइप्स देखो सोशल चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द सिस्टम इन ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप्स रिमेन्स ऑर्गेनाइज कंट्रोल्ड एंड स्टेबल इट इज यूनिवर्सल अवर्सल ओनली द रेट ऑफ चेंज वरी सोशल चेंज इज सिग्निफिकेंटली अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ब्रोड टर्म इट हैज बीन ऑफन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइप्स सो सोशल चेंजेस हैज़ बीन कैरेक्टराइज इन टू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बेसिस एंड दे आर तो ये तो हमारा मीनिंग हो गया कि सोशल चेंज क्या होता है ना यूनिवर्सल फिनोमिना जहाँ पर रेट ऑफ चेंज वरी करता है हर जगह पर चेंज होता है बट कहीं पर तेज होता है कहीं पर धीरे होता है सोशल चेंज सिग्निफिकेंटली वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म है इसको हम डिफाइन करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में तो कैसे उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं देखो सबसे पहले ऑन द बेसि ऑफ पेस इवोल्यूशनरी या रिवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी कौन सा होता है जो धीरे धीरे हो रहा है स्लो चेंज इवोल्यूशनरी इज योर स्लो चेंज देन यू हैव रिवोल्यूशनरी दैट इज क्विक और सडन चेंज ये कैसा है क्विक या सडन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। स्ट्रक्चरल चेंज स्ट्रक्चरल चेंज क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं ओके okay. Change in values and beliefs, ये आपका on the basis of impact है टल चेंज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी चेंज पॉलिटिकल चेंज ओके तो ये आपके सारे जो है टाइप्स ऑफ चेंज हैं आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा है आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कैसे बनाओगे फ्लो चार्ट मैंने आपको आ, चैप्टर में ये बनवाई भी थी शायद नहीं भी अगर बनवाई थी या आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो कि फ्लो चार्ट जनरली कैसे बनाई जाती है और कहीं पर भी अगर हमको फ्लो चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे ठीक है देखो यहाँ पर वी विल राइट टाइप्स ऑफ सोशल चेंज ठीक है ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सोशल चेंज ठीक है दिख रहा है सब आपको आई होप सो कि आपको ये दिख रहा है है ना ओके इसको ऐसे कर लेते हैं और विजिबल हो जाएगा व थ्री टाइप्स ऑफ सोशल चेंज है ना थोड़ा सा आप इसको स्पीड इस बढ़ा के देख सकते हो ताकि जल्दी जल्दी आपका कवर अप हो जाए है ना टाइप्स ऑफ सोशल चेंज सो इट इज ऑन देश on the basis of impact and third one was on the basis of cause yeah source. so third is on the basis of source. ठीक है? अब देखो pace के basis पर दो तरह का change होता है. कौन कौन सा evolutionary change and revolutionary change ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट अगेन दो तरह का चेंज है कौन कौन सा एक है आपका जो कि क्या नाम था भूल गई मैं हाँ स्ट्रक्चरल चेंज ठीक है इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ तो आपको विजिबल रहेगा ठीक है एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल चेंज एक हो गया चेंज इन वैल्यूज एंड बिलीफ्स चेंज इन वैल्यूज एंड बिलीफ्स ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स जो है आपका तो ये अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक चेंज है ना इन्वामेंटल चेंज पॉलिटिकल चेंज इज क्लियर ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना आराम से अच्छा लगेगा तो ऐसे करके एक फ्लो चार्ट आप बना दो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सोशल चेंज अब आप इसमें से थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर सकते हो जैसे इवोल्यूशनरी चेंज है तो इसमें आपने लिख दिया यहाँ पर कि इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज या स्लो ऐसे करके आपने लिख दिया ये क्विक है तो यहाँ पर आपने क्विक लिख दिया यहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो कोई सा एग्जाम्पल दे दिया वैल्यूज में कोई एग्जाम्पल दे दिया ये आपका अपना क्रिएटिविटी है कि आप इसमें कितना अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो है ना तो जितना अच्छा ड्रॉ करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप ही को मिलेंगे मुझे तो मिलेंगे नहीं ओके तो ऐसे फ्लो चार्ज वगैरह हम हमारे आंसर में ड्रॉ कर सकते हैं मैंशन इट्स टाइप बस इतना ही बोला है हमसे डिस्क्राइब करने को नहीं बोला है मैंशन करने को बोला है तो मैंशन हम कर देंगे ओके ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे अच्छा बेसिकली जो शॉर्ट आंसर हमारे होते हैं उसमें हमारी जो मतलब वर्ड लिमिट होती है वो 80 वर्ड्स के समथिंग होती है है ना तो 80 वर्ड्स में हम ये इंश्योर करें कि हम हमारे आंसर को स्टार्ट करें एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में एंड देन जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा है मेन फोकस हमारा उसी पर होना चाहिए इंट्रोडक्शन इज समथिंग टेन टू ट्वेंटी वर्ड्स जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बारे में ओके एंड देन मेन पार्ट अगर पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो फोर पॉइंट्स पैराग्राफ में है तो देख लेना अपने हिसाब से वर्ड लिमिट है ना देखो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल डाविनिज्म अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है जब ये बोला जाता है कि कोई शॉर्ट नोट वगैरह आपको लिखना है है ना तो आप कैसे लिखते हो देखो शॉर्ट नोट ऑन सोशल सोशल डावनिज्म की ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था हमको चार्ल्स डाविन ने तो हमने हमारा आंसर लिखना स्टार्ट करा देखो सबसे पहले द टर्म सोशल विद द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट वॉज प्रपोज बाई चार्ल्स टाविन चार्ल्स डाविन ने कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज प्रपोज किया और इनके इसी कंसेप्ट के बाद में ये जो सोशल डावनिज्म का कंसेप्ट है या ये जो टर्म है ये Emerge होता है। है बोलते थे evolution का मतलब क्या है? कि धीरे धीरे जो है वो changes हो रहे हैं, है ना धीरे-धीरे सोसाइटी धीरे में चेंजेस हो रहे हैं इवोल्यूशन से उनका मतलब ये था कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं कैसे अपने इन्वायरमेंट में अडोप्ट कर रहे हैं तो उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया दिया था है ना उनका जैसे मान लो आज आप आज आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो कल को मान लो आपके स्कूल चेंज हो जाए आप दूसरे स्कूल में जाते हो अब आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हो या वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है मान लो उसके बाद आप कॉलेज में जाते हो आप एडजस्ट हो पाते हो या नहीं हो पाते हो तो जो हर एक चीज़ में एडजस्ट एडेप्ट करता चला जाएगा वो सर्वाइव करेगा लेकिन जो सरवा जो उस चीज़ में अडेप्ट नहीं कर पा रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा जैसे अगर हम बात करें इवोल्यूशन की स के इवोल्यूशन की अब ह्यूमस इवॉल्व हुआ पहले हंटर गैदरर हुआ करता था फिर बाद में सेटल्ड होने लग गया है ना सोसाइटी कम्युनिटी ये सारी चीजें बनाने लग गया फिर धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर करने लग गया फिर इंडस्ट्रीज में आने लग गया तो इन सारी चीजों को जो लोग सर्वाइव कर पाए होंगे वही आज हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाए उनकी डेथ हो चुकी है है ना दैट मीन्स कि वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इस ये कॉन्सेप्ट जो है सोशल uh, मतलब डावन ने मतलब चार्ल्स डावन ने अपनी थ्योरी में दिया था according to darwinian theory only those survive who are best adapted to their situations and those who do not are slow die in the long run so although this theory referred to natural processes it was understood in sociological process giving way to the concept of social darwinism

आज टेक्नोलॉजी का जो है जमाना है तो इसमें जो एडेप्ट कर पा रहे हैं जो उस टेक्नोलॉजी के साथ में डील कर पा रहे हैं वही सर्वाइव कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं है ना तो दैट इज समथिंग सोशल डार्विनिज्म क्लियर लिख लेंगे अपने आंसर में कोई डाउट तो नहीं है वेरी गुड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द इंडियन सोसाइटी क्या सारे सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस होते हैं जो कि एक इंडियन सोसाइटी में हमने देखे हैं सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस जो इंडियन सोसाइटी में हुए हैं तो देखो सबसे पहले तो चेंजेस के बारे में बताएंगे थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सोशल चेंजेस एंड दिस कैन बी समराइज एज बिलो नंबर वन कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोविलेंट हुआ करता था लेकिन अब उतना ज़्यादा प्रोविलेंट नहीं है इस प्रोसेस को इराडिकेट किया गया है है ना और इसकी रेमिडी जो है वो धीरे धीरे करके शेप हो रही है दैट मीन्स कास्ट सिस्टम पहले हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था बहुत ही ज़्यादा ग्रेव था कास्ट से ऊपर कोई इंसान सोचता ही नहीं था लेकिन अब के समय में जो है कास्ट सिस्टम उतना रेलिवेंट रह नहीं गया है हमने धीरे धीरे इसको रिमूव करने की और ये जो पूरा एक सिस्टम था इसको खत्म करने की कोशिश की है तो ये मेजर चेंज है दूसरा चाइल्ड मैरिज पहले हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज होती छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे नौ साल का बच्चा है सात साल का बच्चा जैसे मान लो आ, कोई एक फैमिली है वहां पर लड़का हुआ है दूर में कोई फैमिली है उनके यहाँ बेटी हुई है ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो उन दोनों ने उनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि ये बच्चे बड़े होंगे तो हम इन दोनों की आपसे मतलब आपस में शादी करवा देंगे और इनका जो है हम अभी से ही ये चीज फिक्स कर देते हैं थोड़े बहुत बड़े हो तो शादी करवा देते हैं है ना कुछ एक साल बाद उनका गौना हो जाता था ऐसा करके चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ सिस्टम था लेकिन धीरे धीरे करके इसको हमने इलीगल सिस्टम बनाया आज कोई करके देख ले चाइल्ड मैरिज है ना सीधे जेल ओके तो ये जो सिस्टम है अब पूरी तरह से इलीगल हो चुका है तो ये एक सोशल चेंज देन शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था सब आपस में साथ में रहा करते थे चाहे फिर वो चाचा पापा बड़े पापा कोई भी हो आपकी फैमिली में कोई भी हो दादा दादी सब साथ में रहते थे पूरे कजन वगैरह सब एक ही फैमिली के अंदर लेकिन अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आ रहा है मतलब बस पेरेंट्स और उनके बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है जॉब वगैरह ऑक्यूपेशन इन सारी चीज़ों की वजह से तो न्यूक्लियर फैमिली का एक सिस्टम आया ये भी एक मेजर चेंज है स्टेटस ऑफ वुमेन इसको हमने बड़ा इम्प्रूव करा है, है ना पहले जो है मतलब स्टेटस ऑफ वुमेन हैव बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर्स अलॉन्ग विद डाउरी सिस्टम बिकमिंग इरेलीवेंट इन द इंडियन सोसाइटी पहले वुमेन का इतना अच्छा स्टेटस सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ करता था उतना उनको रिकोगनाइज नहीं किया जाता था ऊपर से डाउरी सिस्टम वायलेंस ये सारी चीज़ें हुआ करती थी हालांकि हमने इन चीज़ों को चेंज किया डाउरी भी आजकल जो है बड़ा इलीगल है कोई डाउरी वाउरी मांगता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर दो जाके ठीक है देन यावन अदर क्वेश्चन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस Do not always ensure a significant impact. Justify जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनसे हमेशा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आता है इसको आपको जस्टिफाई करना है मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस वगैरह हैं तो इनकी वजह से हमको कभी कभी तो सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं ऐसा क्यों होता है देखो जस्टिफाई करो सो ऑल दो टेक्नोलॉजील इन्वेंशन प्रोड्यूस अ कोई एक इम्पैक्ट इन सोसाइटी इन मैनी केसेज इट मे प्रोड्यूस लिमिटेड इम्पैक्ट बैसेस तो कभी कभी बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होते हैं लेकिन कभी कभी लिमिटेड होता है इट इज़ ओनली विद सम लेटर इकोनॉमिक चेंजेस दै द इवेंशन में बिकम सिग्निफिकेंट जैसे द डिस्कवरी ऑफ राइटिंग पेपर एंड गन पाउडर इन चाइना वॉज नॉट ऑफ मच ग्लोबल सिग्निफिकेंस फॉर मैनी सेंचुरी अंटिल इट केम अंडर द कंटेक्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग वेस्टर्न यूरोप टेक्नोलॉजी है बट टेक्नोलॉजी हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होती तो पहले ऐसा था कि हर एक उसके लिमिटेड ही इम्पैक्ट हुआ करते थे लेकिन फिर बाद में जब हमने रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट करी या फिर जब हमने इकोनॉमिक चेंजेस किए तब हमको टेक्नोलॉजी के सिग्निफिकेंट यूज़ेस uh, देखने को मिले जैसे चाइना में पहले राइटिंग पेपर गन पाउडर बहुत सारा हुआ था है ना बहुत डिस्कवरी हुई उसकी और बहुत सारा अवेलेबल हुआ करता था लेकिन चाइना को पता ही नहीं था इसका कैसा यूज़ करें बाद में यूरोप ने इसको यूज़ करा है ना और मतलब सेंचुरीज बाद वो वेस्टर्न यूरोप जो है उसको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा गन पाउडर राइटिंग पेपर है तो उसने उसको यूज़ कर लिया और ये गन पाउडर से जो है वेपन्स वगैरह ये सारी चीजें वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई पेपर से प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आई और हमने पढ़ा है मतलब आप पढ़ोगे आगे ट्वेल्थ क्लास में कि प्रिंटिंग रिवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी प्रिंट रिवोल्यूशन तो यूरोप से है ना तो दैट इज बिकॉज क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं पता था लेकिन आज आप उन सारी चीज़ों को जानते हो अगला क्वेश्चन है कंटेस्टेशन क्राइम एंड वायलेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सोशल ऑर्डर इलेबोरेट तो कंटेस्टेशन क्राइम वायलेंस जो है वो हमेशा सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं इसको आपको इलेबोरेट करना है देखो आंसर द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमिनेंट अथॉरिटी डज नॉट नेसेसरीली मीन ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंटेस्टेशन क्राइम वायलेंस ये तीनों चीजें हमेशा सोसाइटी में प्रेजेंट होती हैं या सोशल ऑर्डर में प्रेजेंट होती है इसको हमको इलेबरेट करना है तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये कंटेस्टेशन क्राइम और वायलेंस होता क्या है ठीक है तीनों की एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमने लिख दी फिर हम इसको थोड़ा एलैबरेट करेंगे हम ये बताएंगे कि देखो ये जो डोमिनेंट अथॉरिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीडियंस या कन्फॉर्मिटी होगी पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस इवन इफ दे फॉलो द सेम लॉ जैसे मान लो कोई लॉ है हर इंसान उस लॉ को मानता है पर ज़रूरी नहीं ना कि हम उससे एग्री करते हो जरूरी तो नहीं है देखो लॉ इज समथिंग जो आप एग्री करो या ना करो आपको मानना तो पड़ेगा बट मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है वो लॉ को फॉलो तो करता है लेकिन उसका ओपिनियन अलग है वो उस लॉ से uh, मतलब उसका ओपिनियन मैच नहीं करता है बट स्टिल वो उसको फॉलो करता है क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है तो एग्जिस्टेंस होना डोमिनेंट अथॉरिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को ओबीडियंस करते हो या कन्फर्मिटी शो करते हो इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डिसेंट तो हमेशा कभी ना कभी डिसेंट का स्कोप होता ही है एक डोमिनेंट अथॉरिटी अगर है डोमिनेंट अथॉरिटी मतलब ये कि वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है ठीक है वो आपको रूल कर रही है एक तरीके से ऐसा मान लो लेजिटिमेट पावर उसके पास में है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा है इसलिए आप उसकी बात मान रहे हो इट इज समथिंग कि हाँ हा, ठीक है मान रहे हैं लेकिन स्टिल हम अग्री नहीं करते हैं और कभी ना कभी फिर ऐसा होगा कि डिसेंट हो जाएगा है ना कंफ्लिक्ट हो जाएगा डिसेंट हो जाएगा तो कंटेस्टेशन या कंटिन्यूस डिसअग्रीमेंट और डिसेंट ये सब सोसाइटी के अंदर होते हैं अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो देखो तो वो बोलते ना वो एक बहुत पुरानी कहावत है चार बर्तन साथ होंगे तो वो खटखटाएंगे इसका मतलब ये होता है जैसे चार बर्तन साथ में रख दो एक हाथ को भी उठाओगे दूसरा हिल जाएगा तो आवाज आएगी है ना तो ऐसे ही होता है कि जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं तो एक ना एक ना, एक ना एक ना कुछ ना कुछ खटपट खटपट चलती ही रहती है तो इस तरीके से कंटेस्टेशन कंटिन्यूस डिसएग्रीमेंट ये सब सोसाइटी में होता है सोसाइटी का पार्ट होता है सोसाइटीज जनरली डिसेंट को अलाउ करती है लेकिन एक एक्सटेंट तक जैसे आपने देखा हमारी सोसाइटी है हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं कैंडल मार्चेस निकालते हैं हमेशा जो है मतलब जो भी उनको प्रोटेस्ट करना होता है अपनी बात को रखते हैं सामने रोड्स पर आ जाते हैं रोड्स को ब्लॉक करते हैं सोसाइटी अलाउ करती है इन चीज़ों को इवन गवर्नमेंट अलाउ करती है ठीक है आप डिसेंट शो कर सकते हो लेकिन एक लिमिट तक है ना डिसेंट का मतलब ये नहीं कि आप आके बैलेंस करने लग जाओ तोड़फोड़ करने लग जाओ नो no. आप एक लिमिट तक जो है वो डिसेंट आपको अलाउ किया जाएगा इफ द लिमिट इज क्रॉस्ड इट बिकम्स अ क्राइम अगर वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी जैसे मान लो हमने कहा ठीक है आपको किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना है या आप डिसेंट शो करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो तो ये आप डिसेंट शो कर रहे हो लेकिन ये लिमिट है यहां तक कि आप डिसेंट शो कर सकते हो इसके आगे अगर आप गए तो वो क्या हो जाएगा क्राइम तो ये डिसेंट है अगर आपने इस एक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो ये बन गया आपका क्राइम है ना तो ये क्या चीज बन जाएगी क्राइम और फिर क्या एक चीज़ होगी कि रिएक्शन लेना होगा

तो ये सारी चीज़ें कही कहीं ना कहीं सोसाइटी में सोशल टेंशन का ही प्रोडक्ट होता है अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था थोड़ी देर पहले तो अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डिफेंस ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस आर अगेंस्ट द स्टेट बिकमिंग अ क्राइम तो सेल्फ डिफेंस को छोड़ के हर एक एक्ट वायलेंस का स्टेट के अगेंस्ट में होता है और वो क्राइम होता है तो स्टेट उनको पनिश कर सकती है ना तो दिस इज समथिंग की ये जो कंटेस्टेशन क्राइम वायलेंस है ये हमेशा सोसाइटी में रहेगा आप किसी लॉ से मान लो एग्री करते हो आप उसको फॉलो तो करते हो लेकिन आप उस लॉ को एग्री नहीं करते हो तो कभी ना कभी तो आप डिसेंट शो करोगे अगर आपने एक डिसेंट की लिमिट को क्रॉस कर दिया तो वो क्राइम बन जाएगा है ना और अगर आपने उस एक लिमिट को भी कुछ क्रॉस कर दिया तो वो वायलेंस बन जाएगा जहां पर ना ही लॉ को मान रहे हो ना ही सोशल नॉर्म्स को मान रहे हो तो एवरी थिंग इज प्रेजेंट इन दिस सोसाइटी सबका मीनिंग बताते हुए आपको एलिबरेट करना है पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है किस तरह से लिखना है वो फॉर्मेट आपके सामने देखो पैराग्राफ वाइज लिखा गया है हर एक चीज में जरूरी नहीं होता कि आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है मतलब पॉइंट वाइज तो आपको लिखना ही है लेकिन हर एक चीज में नहीं होता जहां पर पॉसिबल है वहां पर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो देख रहे हो इस तरह से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है ठीक है इसमें आपको कहीं एग्जाम्पल देना है कोई और चीज ऐड करना है आप बिल्कुल कर सकते हो बस वो इसके रिलिवेंट होना चाहिए नेक्स्ट है आपका वाइज विलेज कॉल्ड अ सोशल यूनिट गांव को एक सोशल यूनिट क्यों बोलते हैं विलेज को इसीलिए एक सोशल यूनिट बोलते हैं क्योंकि ये पूरे सोशल सेटअप का एक केयरफुल सोशोलॉजिकल एनालिसिस है जहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ऑर्डर देखने को मिलेगा है ना डिफरेंट डिफरेंट सोशल ऑर्डर आपको यहाँ देखने को मिलेगा विलेज में फ्यू पीपल रहते हैं स्कैटर्ड होते हैं दूर दूर रह रहे होते हैं जनरली एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज कर रहे होते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए तो वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल कस्टम्स बिलीव्स इन्हीं चीजों को मतलब फॉलो करते हैं नॉट ओनली डू शेयर द सेम ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड बिलीव्स बट आर फाउंड इन अ मोर पर्सनलाइज रिलेशनशिप तो इनके बीच में जो आपस में रिलेशनशिप है वो सिर्फ इतना नहीं है कि ये अपने ट्रेडिशन कस्टम कल्चर इसको

कम्युनिटी फीलिंग इज़ देर इन रूरल कम्युनिटी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कम्युनिटी फीलिंग जो है वो रूरल कम्युनिटी में हमको देखने को मिलती है तो ये सही है कि कम्युनिटी फीलिंग जो है वो रूरल कम्युनिटी में होती है जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं रूरल पीपल में वो कॉपरेशन पर बेस्ड होते हैं और इसी की वजह से कम्युनिटी फीलिंग एग्जिस्ट करती है अगर कॉपरेशन होगा तभी तो वी फीलिंग होगी ना तो जितने भी विलेज में मेंबर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे की हेल्प हमेशा करते हैं उनके बीच में यूनिटी होती है डायरेक्ट या इनफॉर्मल कांटेक्ट होता है कलेक्टिवली वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं सौरव हैप्पीनेस में सब साथ में होते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिटी फीलिंग जो है वो uh, मतलब रूरल कम्युनिटी में है इज दैट क्लियर ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था तो दैट सॉल्व फॉर टूडे आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे इन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आंसर कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं पैटर्न क्या होगा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब आप इन क्वेश्चन को खुद से आंसर करने की प्रैक्टिस करो खुद से इन क्वेश्चन को आंसर करो देखो आप क्या क्या लिख सकते हो है ना क्या क्या पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं क्या आप भूल रहे हो क्या आपको याद रह रहा है तो प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें क्लियर होंगी कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसी के साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करो जाते जाते छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप मैग्नेट बेन्स को यूट्यूब प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रस की ऐप गूगल पर मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट ब्रिन्स डॉट कॉम इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो सभी जगह आपको मैग्नेट ब्रेंस के मतलब स्पेशली यूट्यूब प्ले स्टोर और गूगल पर मैग्नेट बेन्स के फ्री कोर्सेज मिलेंगे ठीक है सारे और सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के बहुत ही आराम से आप इनको एक्सेस कर सकते हो बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी इसे शेयर करो ताकि वो भी इस फ्री एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और साथ ही साथ में आप मैग्नेट बेन्स के नोट्स बुक्स ई बुक्स और मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी से करो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स स्टेडियो विद मैग्नेट बेन्स थैंक यू वेरी मच